नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खाद व्यवसायी के पुत्र से 25 लाख लूट और हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा। शिवम हत्याकांड का शार्प शूटर गिरफ्तार। निफ्ट में 14 छात्र छात्राओं ने मारी बाजी। ऑल इंडिया रैंक में सृष्टि झा को मिला 25वां स्थान। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत बदतर। जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा सीएम नहीं, अधिकारी हैं दोषी। भागलपुर में लाठी डंडे से पीट कर गैरेज कर्मी की हत्या। परिजनों में मचा कोहराम। जांच में जुटी पुलिस। और ट्यूशन पढ़ाकर घर वापस लौटने के दौरान अपराधियों ने बीए की छात्रा को मारी गोली। मौके पर हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर अकबरनगर थाना क्षेत्र के खैरिया निवासी खाद व्यवसायी अनुज देव के पुत्र शिवम से 25 लाख लूट और गोली मारकर हत्या कर देने का मामले का खुलासा भागलपुर डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया। इसको लेकर अकबरनगर थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीएसपी ने कहा कि 5 नवम्बर 2020 को अपने घर से 25 लाख रुपये लेकर जमा कराने बैंक जा रहे शिवम को घात लगाए अपराधियों ने NH-80 भवनाथपुर बगीचा के समीप रोक कर उससे पैसे लूटने के बाद गोली मार दी, जिससे शिवम की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। डीएसपी ने कहा कि इस कांड में शामिल मुख्य शूटर इंग्लिश चिचरौन निवासी मोहम्मद छोटू को बुधवार की देर रात इंग्लिश चिचरौन गांव से अकबरनगर पुलिस ने खदेड़ कर गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने मोहम्मद छोटू से कड़ाई से पूछताछ की, जिसमें गिरफ्तार शूटर ने कई अहम जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि शिवम हत्याकांड का मुख्य शूटर है और घटना को अंजाम देने के लिए उसने 5 लाख रुपये में सौदा तय किया था, जबकि इस वारदात में शामिल 6 अपराधियों में से अब तक 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी में जुटी है, जिसे जल्द गिरफ्तार कर लेने का दावा डीएसपी गौरव कुमार ने किया है। हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक को कुछ सूचना मिला, सिटी एसपी सर की मॉनिटरिंग में उन्होंने टीम का त्वरित गठन किया, जिसमें SHO अकबरनगर लीड कर रहे थे और छापेमारी की गई और मोहम्मद छोटू पिता मोहम्मद तुन्ना खां को इंग्लिश चौरान से घर पर गिरफ्तार किया गया। घटना का विवरण इस प्रकार है, दिनांक 5/11/20 को 25 लाख रुपए लेके बैंक में जमा करने जा रहे थे और नागपुर बगीचे के पास कुछ अज्ञात अपराधकर्मी ने पैसा लूटा और उन्होंने मौके वारदात पर वहाँ पे शूट किया और वहाँ पे स्पॉट डेथ हो गया। तो इस घटनाक्रम के बाद अकबरनगर थाना कांड संख्या 122-20 जो है वो रजिस्टर किया गया 5/11/20 को धारा 394-302 और 120B में IPC 27 आर्म्स एक्ट में, जो कि परिवर्तित हो गया 396-120B धारा में, जिसमें डकैती और मर्डर दोनों जो है इंक्लूड है। तकनीकी अनुसंधान के बाद गोलू उर्फ अली शेख इसको गिरफ्तार किया गया और इसके स्वीकारोक्ति बयान में कन्फेशन में मोहम्मद लाल उर्फ आसिफ को गिरफ्तार किया गया और इसने एक और नाम लिया और अनुसंधान में जो कि ट्रू पाया गया परवेज अख्तर उर्फ दारा मियाँ, ये जो कि फरार थे उस समय, इन्हें जगदीशपुर में पकड़ा गया अवैध हथियार के साथ और कांड संख्या 29/21 दिनांक 27/1/21 को इन पे केस रजिस्टर हुआ दारा मियाँ पे और जिसको इस केस में रिमांड पे लिया गया। और छोटू जो मोहम्मद टुन्ना उसको उसकी गिरफ्तारी की गई इस कांड में, और भी जो अभियुक्त हैं उनकी भी त्वरित जो है शेष जो है उसी गिरफ्तारी की जाएगी और ये पुलिस की सफलता है, क्योंकि बहुत दिन से पुलिस जो है छापेमारी कर रही थी और ये गंभीर अपराध है, तो ये एक टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में भागलपुर जीएस एजुकेशन के छात्र छात्राओं ने एक बार फिर परचम लहराया है। इस बार यहाँ के 14 स्टूडेंट्स ने निफ्ट में बाजी मारी है। सभी स्टूडेंट्स को पहले ही प्रयास में सफलता मिली है। निदेशक राजीव कांत मिश्रा ने बताया कि पिछले 20 वर्ष से जीएस एजुकेशन के छात्र निफ्ट समेत विभिन्न फैशन संस्थानों में से पास आउट हो चुके हैं। इन छात्रों के कई पेटेंट भी हैं। उन्होंने जानकारी दी कि यहाँ के बच्चे
बच्चे कई वैश्विक प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च पद पर कार्यरत हैं। साथ ही कहा कि हमारे छात्रों ने मंजूसा को भी बढ़ावा दिया है। वहीं अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित निफ्ट की परीक्षा में जेएस एजुकेशन के एक दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं ने शानदार सफलता हासिल कर जिले के साथ साथ राज्य का नाम रोशन किया है। देश भर में कैट रैंक 25 एवं कॉमन रैंक 663 हासिल करने वाले संस्थान की छात्रा सृष्टि झा ने बताया कि फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में बड़ी लकीर खींचना उनका लक्ष्य है। वहीं प्रदेश में टॉप 5 की श्रेणी में आने वाले छात्रा सृष्टि झा को संस्थान के डायरेक्टर और शिक्षकों ने शुभकामनाएं दी। राजीव कांत मिश्रा ने बताया कि अब तक जेएस एजुकेशन से करीब 1500 स्टूडेंट्स ने पढ़ाई कर फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में करियर बनाया है। गुरुवार को जेएस एजुकेशन परिसर में जुटे सफल छात्र छात्रा सौम्या बत्स, स्नेहा कुमारी, आदर्श कुमार, ट्विंकल कुमारी, ईशा रानी, सृष्टि श्रेया, शिवानी चौखानी, शिवांगी कुमारी, साहिल सुमन, पल्लवी, प्रियांशु कुमार, इशिका कुमारी और विक्रांत कुमार के चेहरे पर काफ़ी उत्साह देखा गया। इस दौरान सभी स्टूडेंट्स ने संस्थान के निदेशक राजीव कांत सहित अपने शिक्षकों को नमन कर आशीर्वाद लिया। सर बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी थी। फ्रॉम वेरी स्टार्ट टिल नाउ मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड मेरे अंदर बस यही था कि मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है क्योंकि आज तक मेरा एजुकेशन गैप रहा नहीं। सो इट वॉज माई इंटेंशन टू क्लियर इट एट फर्स्ट अटेम्प्ट एंड थ्रू जीएस एजुकेशन मेरे को वो इंस्पिरेशन मिला और अच्छे गाइडलाइंस मिले जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू क्लियरिफाई करा। इंस्टीट्यूशन का कैसा सपोर्ट रहा? सर बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, स्पेशली राजीव सर जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करा और सर ने मुझे 8 डेज में मेरा इंटरव्यू क्लियरिफाई करा दिया। मतलब सारा कोर्स मेरा क्लियर हो गया विद इन जस्ट 8 डेज एंड सर ने मुझे इमोशनली एज वेल एज जहाँ पे मेरे फ्लॉज थे सर ने बहुत सपोर्ट करा उस चीज़ में। हम लोग 2002 से निफ्ट की तैयारी करा रहे हैं और उस समय से लगातार हमारे यहाँ का रिजल्ट्स बहुत अच्छा होता आ रहा है। बीच के कोरोना काल में आने से हम लोगों को बड़ा झटका लगा था, बच्चे आ नहीं पा रहे थे और ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। इस बार भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे पास आए थोड़ा कम आए लेकिन रिजल्ट्स हमारा बहुत ही अच्छा हुआ है। इस बार 14 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जिसका की लिस्ट हमारे पास है और इसमें सबसे अच्छी बात जो हम लोगों को देखने के लिए मिलती है वो वैसे लड़के जो कि टैलेंटेड होते हुए भी उनको ये लगता है कि उनका फिजिक्स अच्छा नहीं है, मैथ्स अच्छा नहीं है तो उनको वो लोग बहुत ये नहीं मानते हैं। उन लड़कों की जो क्रिएटिविटी होती है अंदर का, जो उनके अंदर का जो जुनून होता है काम करने का, वो खुल करके सामने में आता है और फिर वो अपना जब अपने कला का प्रदर्शन करते हैं और अपनी इसके अंदर में 3-4 तरह से एग्जामिनेशंस होता है जैसे गैट का है, उसमें मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीके है, उसमें पहले क्वालिफाई करते हैं। फिर उसके बाद इन लोगों को कैट होता है जिसमें क्रिएटिविटी, ड्राइंग, साइंस सब करना पड़ता है। जब 2 फेज ये निकल जाता है तब इनका एसटी होता है, सिचुएशन टेस्ट, उसके अंदर इनको वेस्ट मटेरियल से कुछ बनाना पड़ता है। वो बनाने के बाद तब ये पता चलता है कि ये फाइनल ऑल इंडिया रैंकिंग कैसा आया। और नवगछा के गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। दरअसल इस बार एनडीए की सरकार के लिए भस्मासुर की भूमिका निभाते हुए सीएम नीतीश कुमार के चहेते विधायक गोपाल मंडल ने नवगछा अनुमंडल परिसर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था की हालत बदहाल है और इसके लिए जिम्मेदार पदाधिकारी दोषी है। गोपाल मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्लीन चिट देते हुए कहा कि इसके लिए सीएम दोषी नहीं है। वहीं अपने गोपालपुर विधानसभा में शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था को जल्द ही दुरुस्त कर लेने का दावा विधायक गोपाल मंडल ने किया। इसके अलावा राजद नेता तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की नजदीकी बढ़ने के सवाल पर विधायक ने कहा कि नीतीश जी और लालू जी पुराने दोस्त हैं और अब लालू के नहीं रहने पर तो नीतीश कुमार को ही तेजस्वी चाचा बोलेंगे। हालांकि आम तौर पर जिस सवाल से सीएम नीतीश कुमार बचते दिखाई देते हैं उस पर बेबाकी से बोलते हुए गोपाल मंडल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लाउडस्पीकर को बैन कर दिया है और अब ना तो मस्जिद पर लाउडस्पीकर रहेगा और ना ही मंदिर पर लाउडस्पीकर रहेगा। साथ ही कहा कि पुरानी आदत लगी हुई है और थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे सभी लोग समझ जाएंगे। शिक्षा व्यवस्था तो बिगड़ा हुआ है, बच्चा ने अगर सवाल किया है ठीक किया है, वो ठीक किया है। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। इसलिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार पदाधिकारी है, जो नीचे स्तर के पदाधिकारी, हमारे मुख्यमंत्री थोड़ा जिम्मेदार है, वो तो सब व्यवस्था करते हैं, मंत्री थोड़ा जिम्मेदार है, जिम्मेदार तो निचला आदमी है ना। ठीक कौन करेगा? ठीक हम लोग करेंगे, हाँ भाई, हम लोग यहाँ का, हम अपने विधानसभा तक करिए देंगे। वो तो है सर, ने और बिहार का बोल रहे हैं सर, ये पर आपने याद दिलाया तो हम चर्चा रखेंगे।
कोई भी बात नहीं, लाउड स्पीकर तो वो भी लगाते हैं, लाउड स्पीकर ही भी सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर बंद कर दिया है, धीरे धीरे बंद होगा, लागू होगा। बिहार में कब से होगा सर? बिहार में जब से सुप्रीम कोर्ट लागू कर दिया है तो धीरे धीरे लागू होगा। अथवा बिगड़ा हुआ है तो सुधारने में समय लगता है ना, सुधारने में समय लगेगा, सुधरेगा ना। हनुमान मंदिर पर रहेगा लाउड स्पीकर ना तो मस्जिद पर रहेगा। पढ़ना है चुपचाप पढ़ो, लोगों को डिस्टर्ब मत करो। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बलुआचक में बुधवार के रात्रि एक युवक की लाठी डंडे एवं रॉड से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक युवक की पहचान 28 वर्षीय अभिमन्यु उर्फ तोलवा के रूप में हुई है। वहीं मृतक की पत्नी रवीना कुमारी ने बताया कि उसके ससुर के मोबाइल पर अभिमन्यु का फोन आया, जिसमें उसके पति ने कहा कि राजेश मंडल, शंकर मंडल और दोनों के पुत्र सहित पूरे परिवार के लोग उसकी हत्या कर देंगे। साथ ही घर वालों से मृतक ने जल्दी आने की बात कही थी। वहीं घर वालों का कहना है कि जल्दी जल्दी में पिता जब वहां पहुंचे तो देखा कि बेटा अधमरा पड़ा हुआ था, जिसके बाद घर पर ही लाकर उसका इलाज शुरू कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही अभिमन्यु की मौत हो गई। मृतक के पिता ने बताया कि अभिमन्यु बलुआचक के एक गैरेज में काम करता था और पास में ही शंकर मंडल का भी गैरेज है, जिसने कई बार उसके पुत्र को धमकी भी दी थी। साथ ही कहा कि बुधवार को जब अभिमन्यु एक गाड़ी को ही ठीक कर रहा था तभी गुस्से में आकर शंकर मंडल के पूरे परिवार ने लाठी रॉड और डंडे से उस पर हमला कर दिया, जिससे गंभीर रूप से घायल अभिमन्यु की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही जगदीशपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। मामला है कि हमारा बेटा को रॉड से मारा, डंडा से मारा, राजेश, शंकर, उसका तीनों बेटा, भतीजा, कहाँ का है? सब बलुआचक का है। देखते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रामानंद सागर है। घर? घर जमगांव। जिसको मारा वो कौन है आपका? वो मेरा बेटा है, मंझला बेटा, अभिमन्यु उर्फ तोलवा। शादीशुदा है? जी हाँ। बाल बच्चा भी है? हाँ, बेटा बेटी दो है। मारने वाला कहाँ बताए? मारने वाला बलुआचक का। किसका बेटा है वो? वो शंकर का बेटा है और राजेश का बेटा है। क्यों मारा? कि गाड़ी, हमारा बेटा जो है तो बड़का बड़का गाड़ी का मिस्त्री है और छोटका भी गाड़ी आता है तो वो मिस्त्री से करवाता है, तो उसका कहना था कि छोटा गाड़ी तुम काहे काम करते हो। वैशाली के लालगंज से बीए की छात्रा अंकिता शर्मा की ट्यूशन पढ़ाकर वापस घर लौटने के दौरान अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि अंकिता बच्ची को ट्यूशन पढ़ाती थी और शाम के वक्त वह बच्ची को ट्यूशन पढ़ाकर घर लौट रही थी, तभी रास्ते में ही अपराधियों ने सामने से अंकिता पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे गोली अंकिता के सीने में लग गई और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस आनन-फानन में अंकिता को लेकर हाजीपुर सदर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि तीन बहनों में सबसे छोटी अंकिता शर्मा बेहद साधारण परिवार से थी, जो अपनी पढ़ाई के साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी, जबकि घर वाले उसे बेटी नहीं बेटे के बराबर मानते थे। वहीं बेटी की निर्मम हत्या के बाद अंकिता की माँ उसके शव से निपट कर चित्कार करते हुए उसके हत्यारों को कोस रही थी। बता दें कि दो दिन पहले भी वैशाली के महुआ में एक छात्रा की कोचिंग से घर लौटने के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि गैंगरेप और रेप की कई वारदात भी जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार सामने आ रही है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस की कई टीम वारदात के तुरंत बाद सेक्शन में दिखी और वारदात वाली जगह पर जाकर छात्रा की हत्या की गुत्थी सुलझाने और हत्यारों की पहचान में जुट गई है। इधर छात्रा की हत्या के बाद मौके पर पहुंचे लालगंज के बीजेपी विधायक ने बेटियों की सुरक्षा और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों पर बचाव करते हुए कहा कि ऐसे अपराधों से कानून व्यवस्था को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। आज ही शाम का मामला है, करीब 6:45 बजे, 6:30 या 6:45 के बीच में एक लड़की अंकिता शर्मा वो चकसाले से ट्यूशन पढ़ाकर आ रही थी, नाका नंबर 2 के पास होलक रोड में अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा उनको दो राउंड गोली मारा गया है। दोनों गोली उनके सीने में लगा था। इलाज के लिए रेफरल अस्पताल ले गया गया, वहाँ से बेहतर इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल भेजा गया था। सदर हॉस्पिटल पहुँचने पर चिकित्सक द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है। सबको पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है और हम लोग अभी पीएफ पर आए हुए हैं, देखते हैं क्या है। अभी तो कोई क्लियर नहीं हो रहा है, परिजन लोग भी अभी मरमाहत हैं, कुछ बोलने के स्थिति में नहीं है और स्थानीय लोग भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, देखते हैं क्या मामला है। कानून व्यवस्था से इस चीज़ को जोड़ना थोड़ा कठिन होगा कि कानून व्यवस्था संगठित गिरोह द्वारा कोई अगर अपराध किया जाए तो वो कानून व्यवस्था पर
उंगली उठ सकती है, लेकिन कोई दुर्घटना, कोई व्यक्ति एकाएक कोई आवेश में आके कोई घटना कर दे तो ये, लेकिन अपराध अपराध है, इसको क्षम्य नहीं किया जा सकता है। और इस घटना पर पुलिस पूरी कार्रवाई करेगी और निश्चित मानिए कि अपराधी जो कुछ भी होंगे, अभी आप देखे होंगे कि पिछले दिनों जो घटना हुई है उसमें भी अपराधी पकड़े गए हैं और इस घटना में भी अपराधी पकड़ा ही जाएगा, ऐसा मान के चलिए। पुलिस कभी भी कार्रवाई से पीछे नहीं रहती। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार सरकार राज्य में पूर्ण शराबबंदी का दावा करती है और कानून तोड़ने वालों पर पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। शराब तस्करों को पकड़ने के लिए ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है और पूरा पुलिस महकमा शराबबंदी को सख्ती से लागू रखने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद शराबबंदी के दावे की धज्जियां शराब तस्कर धड़ल्ले से उड़ा रहे हैं। इसका नजारा मधेपुरा में वायरल हुए इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है। दरअसल सादे लिबास में शराब पीकर हंगामा करने वाला ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में कार्यरत सुरक्षाकर्मी होमगार्ड का जवान है। इस वीडियो में बीच सड़क पर शराब के नशे में तांडव मचा रहा यह शख्स खुद भी पुलिस विभाग में कार्यरत होने की बात कह रहा है और उसे लोगों द्वारा बनाए जा रहे वीडियो का भी कोई डर नहीं दिखाई दे रहा है। डर तो नहीं है लगता है नीतीश कुमार के राज में, डर नहीं है लगता। अरे नीतीश कुमार का आपको जो हम आप हमें अभी फोटो खींचे हैं, आप वीडियो बना रहे, हम जवाब देते हैं। हम तो दारू नहीं पिए। आप जो है पुलिस वाले को मतलब बना रहे हैं, मतलब आपके यहाँ कितना बनता है उसको देखे। बनाइए, क्या बना सकते, आप रिकॉर्डिंग कीजिए। जैसे होटल वाले मेरे को बर्बाद कर दिया, आपको पता है नहीं, क्या किया है ना? क्या हुआ होटल वाला बताया, कहाँ क्या लूटते आपको पता है मधेपुरा में? कहाँ आपका घर कहाँ? हमारा घर तो बहुत दूर है। कहाँ घर? उत्तर प्रदेश है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ? आजमगढ़। अरे हम भी पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी है। हाँ, कैमरा में आप रखे। हम मधेपुरा जिला में नौकरी करते हैं मेडिकल कॉलेज में, और आप मेरा फोटो खींच रहे हैं, और ये जो है हर जगह यहाँ जो क्रम होता है आपको पता है कोई जवाब? सहरसा सदर थाना क्षेत्र के कायस्थ टोला वार्ड नंबर 28 निवासी अमृत सिन्हा के खाता से 87,000 रुपए की अवैध निकासी करने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर पीड़ित खाता धारक अमृत सिन्हा ने बताया कि बीते 10 मई को उसके खाते से 56,000 रुपए की निकासी की गई थी, जिसकी जानकारी उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के टोल फ्री नंबर पर दी थी, लेकिन इसके बावजूद उनके खाते को लॉक नहीं किया गया, जिसके कारण दोबारा से साइबर ठगों ने 11 मई को उसके खाते से 31,000 की निकासी कर ली और इस तरह दो दिनों के भीतर उनके खाते से कुल 87,000 रुपये उड़ा लिए। वहीं इसके बाद बीते 16 मई को अमृत सिन्हा ने लिखित आवेदन देकर उसके खाते से अवैध निकासी किए जाने की जानकारी स्टेट बैंक के अधिकारी को दी, लेकिन इसके बाद भी बैंक की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इधर 18 मई को पीड़ित खाता धारक अमृत सिन्हा ने सहरसा सदर थाने में साइबर ठगी मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई। दरअसल अमृत सिन्हा भारतीय स्टेट बैंक के सहरसा सिटी ब्रांच के खाता धारक है, जिसने साइबर ठगी का शिकार होने के बैंक प्रबंधन और पुलिस को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाते हुए दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। अमृत सिन्हा है और मैं थाने में भी आया हुआ हूं FIR दर्ज कराने के लिए, क्योंकि मेरे बैंक खाते से 10 और 11 तारीख को 86,000 रुपए की निकासी की गई है, जिसकी कोई सूचना मुझे प्राप्त नहीं हुई, ना तो मेरे पास SMS आया। 10 तारीख को जब मेरे खाते से 50,000 रुपए और 5,000 रुपए निकाले गए थे, तब मैंने टोल फ्री नंबर पे फ़ोन किया था, जो बैंक का टोल फ्री नंबर होता है,
उसमें उन्हें कोई सूचना प्राप्त नहीं थी। फिर बोला कि बैंक विजिट कीजिए। मैं शनिवार को जब बैंक में गया तो शनिवार को बैंक में सारा चेक करने के बाद बोला गया कि 10 और 11 तारीख को बैंक का सर्वर ख़राब था, तो जिसके कारण हमें कोई सूचना नहीं है कि किस खाते में पैसा गया है। मैंने अपना ईमेल चेक किया, मेरे ईमेल पे कोई भी ट्रांजैक्शन का मैसेज नहीं आया है, जबकि मैंने एटीएम से 2 बार 8,000 रुपये निकाले, उसका मैसेज मुझे प्राप्त हुआ है। लेकिन जो ये खाता से अवैध निकासी की गई है उसका कोई सूचना मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। किस बैंक का खाता धारक है? स्टेट बैंक सहरसा सिटी ब्रांच का खाता धारक है। भागलपुर असानंदपुर स्थित इंटर स्तरीय उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल में बुधवार को 5 दिवसीय वर्कशॉप का समापन हो गया। किलकारी की ओर से आयोजित संगीत प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन प्रिंसिपल डॉक्टर जीनत परवीन ने छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। प्राचार्या ने किलकारी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्राम से बच्चों की प्रतिभा बाहर आती है। उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन पर किलकारी की अभिलाषा और संगीत शिक्षक नीतीश रंजन का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर शिरीन समर, शमा बानो, रेशमा निगार, फरीदा आफरीन सहित कई शिक्षिका और कर्मी मौजूद थे। बांका के अमरपुर भागलपुर मुख्य मार्ग पर कुल्हरिया गांव के समीप अहले सुबह ज्ञात वाहन के धक्के से एक वृद्ध की मौत हो गई। मृतक की पहचान भागलपुर के सजौर थाना क्षेत्र अंतर्गत बद्धाव गांव निवासी 75 वर्षीय खैरू सिंह के रूप में हुई है। वही घटनास्थल पर मौजूद मृतक के पुत्र चंगूरी सिंह ने बताया कि उसके पिता मंद बुद्धि के थे और मंगलवार की संध्या बिना बताए ही घर से निकल गए, जिसके बाद बुधवार की सुबह उसकी बहन रीना देवी ने कुल्हरिया गांव से फोन कर पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाने की जानकारी दी। इधर ग्रामीणों ने घटना की सूचना अमरपुर थाने को दी, जिसके बाद प्रशिक्षु दरोगा विक्की कुमार, सहायक अवर निरीक्षक मनोज कुमार समेत कई पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों का बयान लेकर खैरू सिंह के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। अरे वहां जो है निकला था सब मेरे सामने, अब वहां से घुरता नहीं है, वो चला गया, अकेले सुधी नहीं रहता, इसको भागी गया। दिमाग मतलब ये था, कुछ दिमाग रहता है। क्या नाम हुआ पापा? खैरू प्रसाद से। खैरू प्रसाद से। तो रात में घर नहीं गया? क्या रात में वापस घर नहीं गया था? नहीं आता। तो कैसे पता चला आप लोग? यहाँ फोन किया था ना, गाँव में देखती है यहाँ पे। मधेपुरा के भिरकी बाट नंबर 25 में अज्ञात छात्र चोरों ने महिंद्रा फाइनेंस में कार्यरत बिक्की गुप्ता के घर से लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया। घटना को लेकर पीड़ित बिक्की गुप्ता ने बताया कि बीती रात वो अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में गए थे और सुबह लौटने पर उनके घर का ताला टूटा हुआ देखा, जिसके बाद घर के अंदर जाने पर पता चला कि अज्ञात चोरों ने उनके घर की गोदरेज का ताला तोड़कर लगभग 12 से 15 लाख के आभूषण एवं नगद रुपये गायब थे। वह इसके बाद मामले की सूचना मधेपुरा थाने को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची सदर थाने की पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और जांच में जुट गई। इधर मामले में सदर थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने कहा कि चोरों का पता लगाने के लिए डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है और जरूरत पड़ने पर टेक्निकल टीम का भी सहायता ली जाएगी। साथ ही कहा कि हर पहलू की बारीकी से जांच कर जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब हम सुबह में लौट के आ रहे हैं अभी तकरीबन 7:30 बजे के आसपास, तो हम देख रहे हैं कि बाहर का जब हमने गेट खोला तो अंदर से कुंडी लगा हुआ था। जब अंदर से कुंडी लगा हुआ था तो हमें शक हुआ कि लग रहा हमारे घर चोरी हो गई। जब हम बगल से दीवार फांग के अंदर आए तो देख रहे हैं इसका ताला टूटा हुआ है, ये अंदर का ये वाला ताला, इसको आप देख सकते हैं यहाँ वाला ताला, ये भी टूटा हुआ है। उसके बाद सारा सामान हमारा, हमने जब अंदर घुसा कोई सामान को हमने टच नहीं किया, सारा सामान जैसे के तैसे वैसे ही रखा हुआ है। सभी सामान में से ज्वेलरी जितना भी था हमारा, सारा ज्वेलरी लेके भाग गया। कुछ कैश अमाउंट था, कैश भी कुछ लेके गया हुआ है। बाकी का हमने कुछ चेक नहीं किया कि अभी घर में कोई चीज छुआ नहीं है कि क्या लेके और गया है। लगभग कितने का क्षति हुआ है आपका? लगभग 10 से 12 लाख रुपए तक का क्षति। मधेपुरा के पत्थरघट रोड पर बुधवार को कामलजड़ी के पास ट्रैक्टर और टेम्पो के बीच हुई टक्कर में एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि सड़क हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 3 महिला एक ही परिवार की बताई जा रही है, जबकि मृतक भी उसी परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सहरसा के बड़गांव वार्ड 6 निवासी अमरकांत शाह अपनी पत्नी रंजना देवी, पुत्र वधु ब्यूटी कुमारी और कुछ अन्य सदस्यों के साथ पूर्णिया के भूरी गाँव अपने बीमार दामाद को देखने
लेने गए थे और लौटने के क्रम में मधेपुरा से एक टेम्पो पर सवार होकर बड़गांव जा रहे थे। तभी अचानक कमलजड़ी के पास सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से टेम्पो की टक्कर हो गई और टेम्पो पलटने से अमरकांत झा की मौत हो गई, जबकि उनके परिवार के अन्य सदस्यों के अलावा ममता देवी और मोहम्मद मीठू भी घायल हो गए। वही सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से मधेपुरा सदर अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं घायल ब्यूटी ने बताया कि पूर्णिया भूरी में उसके रिश्तेदार की गंभीर बीमारी का पता चलने पर सभी उसे देखने गए थे और बुधवार को अपने घर वापस जा रहे थे। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि टेम्पो चालक ने शराब पी रखी थी, जिससे ये लोग मधेपुरा से अपने गाँव बड़गांव की ओर जा रहे थे। एक ही परिवार के चार आदमी उसमें सवार थे और एक अन्य सवारी भी थी उसमें, जिसमें एक सबसे श्रेष्ठ अमरकांत झा जी का घटनास्थल पर ही मौत हो गई और शेष तीन महिला का बुरी तरह से जख्मी है, जिनका इलाज सदर अस्पताल मधेपुरा में चल रही है और एक अन्य यात्री जो थे उनका भी इलाज सदर अस्पताल में ही मधेपुरा में ही चल रही है। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खाद व्यवसायी के पुत्र से 25 लाख लूट और हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा, शिवम हत्याकांड का शार्प शूटर गिरफ्तार। निफ्ट में 14 छात्र छात्राओं ने मारी बाजी, ऑल इंडिया रैंक में सृष्टि झा को मिला 25वां स्थान। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत बदतर, जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा सीएम नहीं अधिकारी हैं दोषी। भागलपुर में लाठी डंडे से पीट कर गैरेज कर्मी की हत्या, परिजनों में मचा कोहराम, जांच में जुटी पुलिस। और ट्यूशन पढ़ाकर घर वापस लौटने के दौरान अपराधियों ने बीए की छात्रा को मारी गोली, मौके पर हुई मौत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।